अरे भाइयों और बहनों, जय श्री राम। आज हम एक बहुत ही कॉमन और इरिटेटिंग इश्यू के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है वैलोरेंट एरर वाल 185। अगर आप भी इस एरर से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इरिटेटिंग इश्यू के बारे में, वैलोरेंट एरर वाल 185। ये एरर बहुत सारे गेमर्स को परेशान कर रहा है, और इसका सोल्यूशन ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप सब इस एरर से कितने परेशान हो चुके हैं, जैसे मैं भी हूं। ये एरर आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से खराब कर देता है और फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। आपने कितने सारे YouTube वीडियोस देख लिए, रेडिट थ्रेड्स पढ़ लिए, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन ये एरर फिक्स ही नहीं हो रहा, राइट? ये बहुत ही अनोइंग हो सकता है जब आप हर जगह सोल्यूशन ढूंढते हैं और कुछ भी काम नहीं करता। वेल, आज मैं आपको एक सिंपल आसान सा सोल्यूशन बताने वाला हूं, जो आपको इस दर्द से छुटकारा दिलाएगा। ये स्टेप्स फॉलो करके आप इस एरर को फिक्स कर सकते हैं और अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैल 185 एरर का मेन रीजन होता है आपका इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, सही सुना आपने, इंटरनेट कनेक्शन ही इस एरर का मुख्य कारण है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ही ये एरर आ रहा है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, तो ये एरर बार बार आ सकता है। इंटरनेट कनेक्शन के वजह से ही ये एरर आ रहा है, इसलिए सबसे पहले हमें अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करना होगा और उसे स्टेबल बनाना होगा। मैं भी पहले कितनी बार अपना पीसी रिसेट कर चुका हूँ, ड्राइवर्स अपडेट कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ये सब करने के बाद भी एरर फिक्स नहीं है, तो अब सुनो, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने राउटर को रीस्टार्ट करना है। ये एक सिंपल स्टेप है, लेकिन बहुत इफेक्टिव हो सकता है। सबसे पहले अपना राउटर रीस्टार्ट करो। सिंपल है ना? रूटर को रिस्टार्ट करने से कई बार इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रूटर को रिस्टार्ट करो और देखो कि एरर खत्म होता है या नहीं। अगर एरर खत्म हो जाता है, तो समझो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर ये काम नहीं करता, तो एक बार रूटर को रीसेट करके ट्राई करो। हाँ, रीसेट करके। रूटर को रीसेट करने से उसकी सेटिंग्स डिफॉल्ट हो जाती है, और कई बार इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी अगर आपको एरर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका करंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्टेबल कनेक्शन नहीं दे रहा हो। ये बात सुनने में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन बिलीव मी, ये स्टेप्स फॉलो करके मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मैंने भी पहले बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई किए थे, लेकिन ये स्टेप्स सबसे इफेक्टिव साबित हुए। अब मैं बिना किसी इंटरप्शन के स्मूथ गेम प्ले एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस अब बहुत ही अच्छा हो गया है और मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने इस एरर को फिक्स कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मुझे और भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोज बनाने में मदद मिलेगी। और हाँ, कॉमेंट्स में बताना जरूर कि आपके लिए ये सोल्यूशन काम किया या नहीं। आपके फीडबैक से मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कीप गेमिंग एंड स्टे ऑसम।